बीएचयू खेल महोत्सव में यूपी गर्ल्स हॉकी टीम ने बाजी मारी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू हुए खेल महोत्सव में यूपी गर्ल्स हॉकी टीम ने तमिलनाडु को पटखनी दे दी। इसी के साथ काशी और यूपी के बेटियों ने अपने जीत का परचम लहराया। यूपी की टीम ने 6 गोल किए तो वहीं तमिलनाडु के खिलाड़ियों को 2 ही गोल से संतोष करना पड़ा। इस दौरान गेम में दोनों ओर की टीम में 2 खिलाड़ी चोटिल भी हुए। गर्ल्स हॉकी मैच के बाद अब मेल हॉकी मैच शुरू हो गया है। ऋतु जी, तमिल संगमम के तहत ये बड़ा आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगी जीत के लिए? ये वैसे बहुत ही अच्छी चीज शुरू करी है योगी जी ने या मोदी जी ने, क्योंकि इससे एक तो खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है और एक जैसे तमिलनाडु जैसे राज्य में स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और हॉकी तो खास करके इतना नहीं वहाँ पे है, बट इसके थ्रू अभी वहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस होगी सारे स्पोर्ट्स में। बेसिकली हॉकी तो वहाँ की काफ़ी वीक है, बट अभी इसके थ्रू हो सकता है वहाँ हॉकी इम्प्रूव हो, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। टीम जीती है आपकी, क्या कहना चाहेंगे टीम वर्क को, क्या कहना चाहेंगे? टीम जीती है, टीम के सारे बच्चे छोटे हैं, सब बहुत अच्छे हैं और आगे का फ्यूचर है इंडिया के लिए। यूपी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे से सपोर्ट करेंगे, तो दे विल डू वेरी बेस्ट इन देयर फील्ड देयर लाइफ। सो बच्चे बहुत अच्छे हैं। बस महिला टीम जीती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोनों टीम बहुत अच्छी खेली और जिसमें हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके उस टीम को विजय हासिल किया है, और मैं उनकी भी टीम को सराहना करूंगा कि उनका भी बेसिक बहुत अच्छा था और मेहनत किया है जिसमें अच्छा, मैं चाहता हूं कि वो भी अच्छा खेलें और हमारी टीम तो अच्छी है उत्तर प्रदेश की। और सर कहां कहां से बच्चे सेलेक्ट किए गए थे इस पूरी? ये हमारे उत्तर प्रदेश के ही बच्चे हैं, रेलवे से आए बच्चे और हमारा लखनऊ हॉस्टल है वहाँ से आए, स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर से बच्चे आए, साई हॉस्टल लखनऊ से, तो डिफरेंट डिफरेंट मंडल से बच्चे सेलेक्ट किया जाता है और उनका एक सिलेक्शन होता है जो हमारे डॉक्टर आरती सर जो हमारे खेल निदेशक उत्तर प्रदेश हैं उनके साथ श्री रजनीश मिश्रा जी इन सेलेक्टर होते हैं, जिसमें ये बच्चों को चुन के यहाँ जाके मैच खेला जा रहा है।